नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार प्रिंटर में। देखिए, एक छोटा सा प्रिंटर आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसका मॉडल है HP डेजर्ट इंक एडवांटेज 2135। इसमें आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसी है, पूरा इंक स्प्रेड हुआ है क्योंकि ये रिफिल किया हुआ कार्टेज इस्तेमाल हुआ है। कैरेज देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डिकोडर सेंसर है, ये कैरेज यूनिट है आपका, यहाँ पे एक इनकोडर सेंसर है और एक स्ट्रिप है और एक छोटा सा किट है जो कार्टेज को रीड करता है। यहाँ मदरबोर्ड में आता है और ये देखिए स्कैनर का केबल, ये है कंट्रोल पैनल का केबल, ये है पूरा कंट्रोल पैनल यूनिट, ये है कार्ट्रिज की लाइट, ये कलर कार्ट्रिज की लाइट, जो दोनों में से कोई भी खराब होगा वो ब्लिंक करेगा, ये कलर कॉपी का बटन, ये ब्लैक का बटन, ये पेपर का एरर और ये कैंसिल और ये ऑन ऑफ की। इसमें दिक्कत ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम माइनर प्रॉब्लम है, मैं केबल लगा रहा हूँ, इसके हेड के मूव का वो देखिए, स्पीड देखिए, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसकी जो गाइड करने का, समझ लीजिए कि ये इनकोडर ये रॉन्ग लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, ये इसको बता नहीं पा रहा है कि आपको कौन सी स्पीड में चलना है या फिर कहाँ पे रुकना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको देखिए, सिंपल है, सबसे पहले आप ऑफ़ कर दीजिए और ये जो डिकोडर सॉरी इनकोडर है इसको आपको उल्टा करके लगाना है। अब देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो को इस साइड में लगाना है। थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए एरो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए नंबर कुछ लिखा हुआ है, देखिए इनकोडर बदलते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रिप है ये सेंसर के बीच में से जानी चाहिए ऐसे, नहीं तो जोर जोर से इधर उधर करेगा। अब मैं पावर केबल लगाता हूँ, प्रिंटर ऑन हुआ है, देखिए रेडी हो गया। इसका मैं डोर ओपन करता हूँ कार्ट्रिज का, देखिए आ गया कार्ट्रिज का, बंद कर दिया, वापस हम पोजिशन पे चला गया। तो बस ये था एक छोटा सा सोल्यूशन। अगर आपका कैरेज ज़ोर ज़ोर से यहाँ वहाँ मार रहा है तो आप समझ लीजिए इसकी जो ट्रैक बनी हुई है इसमें वो गड़बड़ हो गई है, या तो ये किसी ने छेड़ा और उल्टा लगाया हुआ है। थैंक यू।